हेलो दोस्तों, मैं शीशाधर टेरेस गार्डन दिवस बोल रही हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने अपने हाथ से जो ग्रो बैग बनाया था, आज मैं उसको मिट्टी भरूंगी, अपने पौधे के लिए तैयार कर रही हूँ, जो अब गर्मी में मैं पौधे उगाऊंगी। तो देखिए, मैंने इसको ये कई जगह से मैंने इसको होल कर लिया है कि जो मैं मिट्टी बनाऊंगी तो उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन जा सके, जिससे मेरे पौधे की जड़ों का विकास हो सके। ये देखिए, मैंने कई जगह से होल कर लिया है और पानी की निकासी भी हो सके, साथ में ऑक्सीजन भी जा सके, जिससे कोई फंगस ना लगे, मेरे पौधे पर्याप्त मात्रा में विकास उनकी जड़ें करें। तो दोस्तों, आज मैं मिट्टी कैसे हल्की अपने पौधों के लिए बनाऊंगी और रिच फर्टिलाइजर युक्त होगी तो वो मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, पहले मैं इसके लिए बेस बनाऊंगी, इससे ये बेस बनेगा, इससे ये मिट्टी थोड़ी हमारी पोली पोली रहेगी, जिससे हमारी जड़ें अच्छा विकास करें और इसके छिद्र भी ना भरें और धीरे धीरे ये डीकम्पोस्ट भी होता रहेगा। ये हम करेला की जो ये पत्ते वो पेड़ निकाले थे तो उसको मैंने अच्छे से सुखवा लिया है। ये थोड़ा हल्का नम हो गया है कि जो ओस पड़ती है रात में और ये बीच में बारिश हो गई थी, तो ये डालने से क्या है कि छिद्र भी हमारे उसके नहीं पूरे होंगे और ये बढ़िया डीकम्पोस्ट भी धीरे धीरे हो जाएगा। और मैंने इसको दवा के देखिए अच्छे से ये भर दिया है। अब मैं इसकी एक लेयर फर्टिलाइजर की बनाऊंगी। ये फर्टिलाइजर में हल्का इसको सुखाऊंगी, जो यही किचन वेस्ट और टेरिस वेस्ट से निकला था मेरे, तो और ये भी ये किचन वेस्ट और टेरिस वेस्ट का है, तो मैं इसको सुखा ही कल यूज करूंगी। आज पूरे दिन की धूप लग जाएगी। तो मैं इसी तरह से ये अपना ये भरती हूँ मिश्रण, देखिए तो ये कितना अच्छा है, ये बिल्कुल हल्का सा, और ये वही टेरिस और किचन से जो वेस्ट निकलता है उसी का है ये मैं बनाई हूँ। तो ये चाहे फर्टिलाइजर मानो या मिट्टी मानो, तो मैंने ये ग्रो बैग निकाला है तो उसकी देखिए कितनी अच्छी। अब इससे हमें दो ग्रो बैग भर देंगे, नीचे ऐसे वेस्ट मटेरियल भरते रहेंगे और इसकी लेयर लगा लगा के इसको भर देंगे, तो हमारी मिट्टी बढ़िया उपजाऊ हल्की बनती है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, आज ही मैंने ये ग्रो बैग से इसको सुखा रही हूँ, एक टाइम का धूप लगवाऊंगी, ज़्यादा धूप क्या है इसके पोषक तत्व नष्ट कर देगी। तो ये हो गया, ये भर दी। अब मैं ये लेयर डालती जाऊंगी, ये लेयर के बाद मैं थोड़ा इसमें ही सूखे, ये मैंने कनेर तो ये गीले पत्ते हैं, दो दिन की धूप लगी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अच्छा पौधा था तो मैं ज़्यादा धूप नहीं लगवाई। अगर मेरा जैसे कि किसी में फंगस वगैरह लगा है तो मैं तो फेंक देती हूँ, जिससे नहीं तो मेरी मिट्टी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो मैं स्वस्थ पौधे का ही और स्वस्थ पत्तियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये धीरे धीरे डीकम्पोस्ट हो जाएगा और मिट्टी भी थोड़ी जो हल्की पोली रहती है तो पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त पौधों जड़ों का विकास हो जाता है। अब ये देखो सूखा हुआ, ये मटर के छिलके हैं, गोभी के छिलके हैं, प्याज है, केला है, मतलब सभी जितना किचन और टेरिस से निकलता सभी सब्जियां हैं, भाजियां हैं, वो सुखा के मैं इसको लेयर लगाऊंगी। इससे मिट्टी मेरी बहुत अच्छी बनती है, उपजाऊ पौधे की जड़ों को खाद भी मिलता है। फिर जब ये एक सीजन के बाद पौधे ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हटा के मुझे ये बहुत अच्छी मिट्टी यानी फर्टिलाइजर से भरी हुई मिट्टी मिल जाती है, हल्की रिच मिट्टी। अब इसी तरह अब इस बार मैं ये कोयले और राख का लेयर लगाऊंगी ये साथ में, और ये मिट्टी का भी, और साथ में मैंने ये देखिए साथ मैंने ये सरसों की खली को पीसा है तो उसको मैंने थोड़ा सा ये लेयर लगा दूंगी, और अगर आपके पास नीम खली है तो वो भी लगा सकते हैं। और फिर मैं ये अपने वेस्ट मटेरियल को भर दूंगी। तो दोस्तों, मैं ये एकदम से ये देखिए दबा के भर रही हूँ, ये देखिए मेरा वेस्ट इतनी ये बोरी भर गई। अब फिर मैं मिट्टी और ये राख का लेयर लगा दूंगी, ये देखिए साथ में मिट्टी भी है और ये राख भी है और ये मेरा सरसों की खली, और इसी तरह फिर ये मैं किचन वेस्ट भर दूंगी। ये पूरा सूखा हुआ है मेरा, ये इसी तरह मैं लेयर वाइज लेयर लगाती जाऊंगी। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको दवा के अच्छे से ये सारा वेस्ट मटेरियल अपना हम भर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम ये
ये हम बनी हुई मिट्टी अपना ले आए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिला है पहले से। एक तो ये हमारी फर्टिलाइजर है, जो हम पौधे निकालने के बाद हमें जो मिट्टी बची है, पर फिर भी हमने इसमें थोड़ा राख और थोड़ा किचन वेस्ट और मिला लिए। अब ये लेयर देने के बाद हम इससे कवर कर लेंगे। आपके पास पैरा है या राइस की हक्स है, या आपके पास सूखी पत्तियों का है, या मूंगफली के छिलके का चूजा है, उसको आप ये कवर कर लेंगे। ये देखिए ये कवर हो गया। और फिर हम ये मिट्टी अपना डाल के कोई भी पौधे लगा सकते हैं। आपका अगर इच्छा तो और मिट्टी डाल दीजिए, 2-3 इंच का लेयर और बना दीजिए। ये मैंने 3 से 4 इंच का लेयर बना दिया, ज़्यादा ही है 4 इंच से, और आपकी इच्छा तो और बना दीजिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि हम ऐसे में हमारे पौधे जल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो बस ये करती रहती हूँ, इसी प्रक्रिया से मैं जो अपने पौधे लगाती हूँ इसी तरह से लगाती हूँ। मैं सारा वेस्ट सुखा सुखा के भरती जाती हूँ और मुझे खाद भी मिल जाती है और मेरे पौधे को पोषण भी मिलता रहता है। क्या है कि देखिए, अभी तो मैं ये बीज बो रही हूँ, 20 से 25 दिन में रेडी होंगे, तब तक इसको हम डीकम्पोजर का स्प्रे कर देंगे और मिट्टी का। तो ये 20 से 25 दिन में ये डीकम्पोज थोड़ा थोड़ा हो जाएगी, फिर हम अपना पौधे इसमें लगाएंगे तो डायरेक्ट उसकी जड़ें वहाँ तक नहीं चले जाएंगी, वेस्ट मटेरियल लग धीरे धीरे जाएंगी, मिट्टी में रहेंगी, फिर धीरे धीरे, तब से 1 माह से ऊपर का हो जाएगा, तब से हमारी ये मिट्टी कम से कम नहीं तो 40-50% डीकम्पोज हो जाएगी। और तो ये मैं वेस्ट डीकम्पोजर का घोल पानी में डाल के ये पूरी तरह से इसको मैं गीली कर दूंगी। ये अब ये मेरी पौधी, ये मिट्टी नम हो गई और धीरे धीरे डीकम्पोज होती रहेगी 20 से 25 दिनों में, जब तक मैं पौधा लगाऊंगी। इसके बाद धीरे धीरे जड़ जाएंगी तो वो और डीकम्पोज हो जाएगी, तो फिर मेरा पौधा जलेगा कैसे, अच्छा पोषक तत्व मिलेगा और ये मिट्टी हल्की। और अब ये धीरे धीरे नीचे बैठेगी, हम थोड़ा मिट्टी और डाल के अपने पौधे पे लगा देंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों जब ये मैं वीडियो इसमें मिट्टी भरी थी तब मैं ये वीडियो बनाई थी, जब टमाटर लगाए हैं तब मैं वीडियो बनाई थी। तो देखिए, वेस्ट मटेरियल का ही कमाल है कि मेरे इतने अच्छे पौधे हैं। बस मैं लिक्विड बीज बीच में डालती हूँ और माह में 2 बार गोड़ा करके थोड़ा सा सूखी फर्टिलाइजर डाल देती हूँ, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल 3 माह में पूरा डीकम्पोज हो गया। और टमाटर की फसल देखी हमारी, ये इसी तरह ये जब मैं बेड बनाई थी इसमें कितनी सारी चीज लगाई थी, और मैं ये बेड का वीडियो भी करी थी कि मैंने वेस्ट मटेरियल भरा है। तो आज देखें ये मेरा फर्टिलाइजर वाली मिट्टी और कितनी हल्की साफ। अब इसको मैं सुखा रही हूँ, ये देखिए ये वेस्ट मटेरियल, कुछ चीज नहीं हुआ है। अब इसमें मैं मिट्टी वो लगा भिंडी लगा दूंगी सोचती हूँ, या कुछ और देखते हैं। ये मुझे फर्टिलाइजर मानिए या मिट्टी मानिए, बिल्कुल हल्की मिल गई। और इसमें कितने सारे मैंने चीजें लगाई थी वो भी देखिए, उस समय ना गोड़ा करते बनता था ना कुछ, बस मैं लिक्विड डाल देती थी, ये सारी गोभी। और ये इधर इतने बड़ा ये पौधा ये बन रहा और हार्वेस्ट भी कर। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।